demand here is knowledge, expertise, and experience of neurotherapy. Okay. In treating diseases without using of drugs has benefited more than 1 lakh of patients from across the country. He runs India's number one study center of neurotherapy at Vivekya, New Delhi. He has trained thousands of people in becoming qualified neurotherapists from all over India. Today, Sri Naval Kishore is one of the best known names of India in the field of neurotherapy. He has been instrumental in spreading the message and importance of neurotherapy in providing drugless treatment of diseases and alignment with no side effects. He is a regular keynote speaker at various organizations, speaking about the role, science, and importance of neurotherapy for overall well-being of the health of individuals. Till that, he has organized numerous seminars and workshops on neurotherapy all over the country. Dr. Lajpat Rai Mehra, the dean of modern neurotherapy, has credited Sri Naval Kishore for his dedication in heralding a revolution by spreading and providing recognition of neurotherapy in the health sector. Recently, he awarded with India Book of Records title, Asia Book of Records title, and Best Neurotherapist Award by Six Sigma Healthcare. So let's welcome now. थैंक यू अरुण जी, मुझे भी नहीं पता था इतने सारे अवार्ड हमें एक बार मिल चुके हैं पीछे लास्ट में। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा उन लोगों का जिन्होंने नीरोथेरेपी पर भरोसा करकर नीरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है। तो इसमें हमारे एक्स मेंबर हैं अरुण जैन जी, जो लोग यहाँ हों तो वो अपने एक बार खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। गिरीश गुप्ता जी हमारे पैटर्न हैं इस ग्रुप के, डॉक्टर एंड मिसेज प्रवीण सोडी जी जो हमारे इस ग्रुप की पैटर्न हैं, नीतीश खेतान जी, संजय अग्रवाल जी, सागर कपूर एक्स मेंबर, दीपक कुमार एडवोकेट जी एक्स मेंबर, एसएल टैंक जी धन्यवाद करता हूँ सर, जतिन अरोड़ा जी एक्स मेंबर हैं हमारे, धन्यवाद सर आपका भी धन्यवाद, इन्होंने और इनकी मिसेज ने ट्रीटमेंट लिया है। नेहा ठकुराल जी एक्स मेंबर हैं, राकेश बंसल जी सर इन्होंने तो अभी एक रेफरेंस दिया हमें हिसार में, हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वहाँ, उनको मदर इनकी मदर का ट्रीटमेंट वहाँ चलेगा। प्रीति खट्टर जी, अंकित खट्टर जी की वाइफ हैं और फादर ने भी ट्रीटमेंट लिया है। और रेनू चौहान जी ना केवल ट्रीटमेंट लिया है, इन्होंने तो कंप्लीट न्यूरोथेरेपी का कोर्स करा है, जैसे आज मैं आपके सामने एग्जाम दे रहा हूँ इनका भी आज एग्जाम है डिप्लोमा का। कपिल खंडेलवाल जी और शिल्पी गुप्ता जी ने हमें रेफर किया है बहुत सारे पेशेंट्स, धन्यवाद करता हूँ। राज गुप्ता जी इन्होंने भी हमें रेफर किया, अपने फादर का ट्रीटमेंट लिया था एक बार, तो इन सब का धन्यवाद है जिन्होंने हमें न्यूरोथेरेपी पर एक भरोसा करके। हाँ आपका अंजुम गुप्ता जी आपका भी धन्यवाद है, आपने भी ट्रीटमेंट लिया, इन सब ने न्यूरोथेरेपी पर विश्वास कर समझा और सीखा कि हम बिना मेडिसिन के ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें हर बीमारी के लिए मेडिसिन की ही आवश्यकता पड़े। अभी कोविड में हमने एक सर्वे करा और बहुत सारे सर्वे ने भी बताया कि 80% ऐसी बीमारियों में हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है जिसको हम समझ लेते कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, यानी कि इमरजेंसी केवल 20% होती है और हम 80% उसे समझ कर हॉस्पिटल चले जाते हैं। इसमें आप बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के भी अपने घर में ठीक हो सकते हैं, और ऐसा हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कोविड में, काढ़े के रूप में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, उसका इस्तेमाल भी करा। ऐसे ही न्यूरोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति है, एक मेडिसिन मेडिकल लाइन है जिसकी खोज डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने करी, ये एक फोटो आप देख रहे हैं उसमें, और इन्होंने आयुर्वेद को पढ़कर, आयुर्वेद में एक शाखा आती है, एक ब्रांच है काया चिकित्सा, उसकी पूरी स्टडी कर उसके साइंस के साथ कोरिलेट कर कैसे हम न्यूरोथेरेपी में हम मेडिसिन बॉडी के अंदर बना सकते हैं। तो मैं अपनी बात उसी से शुरुआत करूंगा जहां से मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, ये पानी की बोतल। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये मैंने यहां बनाया, ये यहां नहीं है, ये एक्चुअल में आपका पानी है जो आपको स्वस्थ रख सकता है, आपको हेल्दी रख सकता है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है। आपने कभी सोचा कि भगवान ने हमें दो किडनी क्यों बनाकर दी? एक बना सकता था बीच में जैसे पेट बनाया, एक लीवर बनाया ना तो ऐसे एक किडनी बना देता, दो लंग्स बनाए हैं, एक लंग्स बना सकता था बीच में हार्ट के बराबर में, दो चीज़ें बनाई हैं उसका कोई ना कोई लॉजिक है, और भगवान कभी भी इत्तेफाक से नहीं करता, विद लॉजिकल हर चीज़ें करते हैं। इसका एक मेन कारण है कि हमारे दो लंग्स हैं, दोनों लंग्स हमारे दोनों अलग अलग काम करते हैं, हमारी दो किडनी हैं, दोनों किडनी हमारी अलग अलग फिल्ट्रेशन करती हैं।
अगर एक ही चीज़ फिल्टर करनी होती तो भगवान बीच में एक बना देता, भगवान एक बीच में लंग्स बना देता। हमारी लेफ्ट किडनी लेफ्ट लंग्स एसिड को फिल्टर करने का काम करता है, राइट किडनी राइट लंग्स अल्कलाइन को फिल्टर करने का काम करता है। और हम जो कुछ भी खाते हैं चाहे पीते हैं वो या तो एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना एसिड हो ना अल्कलाइन हो, केवल पानी को छोड़कर। इसलिए मैंने पानी का आपको उदाहरण दिया था। केवल और केवल दुनिया में एक ही चीज़ है जो न्यूट्रल है, वो है पानी। बाकी सारी चीज़ें या तो एसिडिक होंगी या अल्कलाइन होंगी। और जो कुछ भी खाएंगे उसका असर आपके लंग्स और किडनी पर होगा और उसी का असर आपकी बीमारियों पर होगा। इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप गूगल पर जाना, गूगल पर किसी भी बीमारी का नेचर पता कर सकते हैं। नेचर ऑफ दिस डिजीज, यानी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डायबिटीज, व्हाट इज द नेचर ऑफ हाई बीपी, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पॉन्डिलोसिस, यानी कि आपको बताएगा गूगल कि दिस इज एल्कलोसिस डिजीज, दिस इज एसिडोसिस डिजीज, यानी कि ये अल्कलाइन के बढ़ने की वजह से आपकी बीमारी आई है, या ये जो बीमारी है वो एसिड के बढ़ने की वजह से आई है। और इसी को न्यूरोथेरेपी बड़े अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस करता है। क्या कारण है कि 40 साल तक मुझे डायबिटीज़ नहीं होती और 40 साल के बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ, 42 साल का होता हूँ, 45 साल का होता हूँ, मुझे डायबिटीज़ हो जाती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एसिड और अल्कलाइन इनबैलेंस होना शुरू हो गया। और डायबिटीज़ इस एसिडोसिस डिजीज़। अभी हम लोग एक छोटा सा, क्योंकि मेरी जो PPT है ना, ये पिछले साल की है, मैं थोड़ा सा अभी बिजी था तो उसको ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाऊँगा। हम अभी भी अपने बैठे बैठे अपना एसिड और अल्कलाइन चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है। हाँ, और हमारी बॉडी का नेचर भी चेंज होता रहता है। जैसे हम खाएंगे, अभी हमने आज पानी का इंटेक ज़्यादा करा तो हो सकता है वो अल्कलाइन चली जाए, अगर पानी का इंटेक कम करा तो हो सकता है एसिडिक चला जाए। तो आपकी लेफ्ट हैंड की, यानी कि हमारी हाफ बॉडी हमारी एसिडिक होती है। मैंने बताया कि लेफ्ट लंग्स और लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट लंग्स और लेफ्ट किडनी है राइट की, तो ये अल्कलाइन को फिल्टर करेगी, ये एसिड को फिल्टर करेगी। हमारी लेफ्ट फोर्थ फिंगर को आप पकड़िए, बीच वाले जॉइंट को पकड़िए, रिंग फिंगर जिसमें हम अंगूठी पहनाते हैं या पहनते हैं, रिंग फिंगर को और बीच वाले जॉइंट को आप प्रेस करिए और ट्विस्ट करिए, इस तरीके से ऐसे पकड़ना है बीच वाले जॉइंट को, रिंग फिंगर को, और पकड़ कर ट्विस्ट करना है। हल्का सा प्रेशर रखना है और प्रेशर उतना ही सेम आपने राइट हैंड की रिंग फिंगर पर भी करना है। बीच वाली उंगली को पकड़ कर ट्विस्ट करना है। अगर आप एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे होंगे, यानी कि ठीक प्रेशर से कर रहे होंगे, तो आप महसूस करेंगे अपने आप में कि आपके लेफ्ट में या राइट में, दोनों में से किसी एक में पेन ज़्यादा है। अगर आप सेम प्रेशर से चेक करेंगे, दोनों पर समान प्रेशर डालेंगे, तो आपको यह भी महसूस हो जाएगा या तो आपको लेफ्ट में पेन ज़्यादा है या राइट में पेन ज़्यादा है। हाँ, मैं बता दूँ, 80% लोगों को लेफ्ट में ही पेन होगा। अभी मैं, क्योंकि अभी पूछूंगा तो टाइम बहुत तेजी से निकल जाएगा, और इसका कारण भी बताता हूँ। जी बताता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर भी देता हूँ कि अगर लेफ्ट में पेन ज़्यादा है तो क्या होगा, राइट में पेन ज़्यादा है तो क्या होगा। दोनों में पेन हो सकता है, दोनों में से किसी में भी नहीं हो सकता। चार कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर आपको लेफ्ट में पेन ज़्यादा है, मैं न्यूरोथेरेपी को आपको वो नहीं करने आया, मैं एजुकेट करने आया हूँ ताकि आप लोग समझें कि न्यूरोथेरेपी करती क्या है। तो लेफ्ट में अगर पेन जिन लोगों को है, उनकी बॉडी एसिडिक नेचर की है, उनकी बॉडी इस समय एसिडिक नेचर की है, ठीक है। जिनको राइट फोर्थ फिंगर में, यानी कि रिंग फिंगर में पेन हुआ है, उनकी बॉडी इस समय अल्कलाइन नेचर की है। जिनको राइट फोर्थ फिंगर में पेन हुआ है, उनकी बॉडी अल्कलाइन नेचर की है। जिनको दोनों में पेन हुआ है, उनकी बॉडी एसिड और अल्कलाइन दोनों में गड़बड़ है। और जिनको किसी में भी दर्द नहीं हुआ है, वो भगवान का शुक्रिया अदा करें, आप लोग ठीक ठाक हैं। अब इस एसिड अल्कलाइन का क्या है, ये चेंज होते रहते हैं। लेफ्ट में पेन ज़्यादा है तो एसिडिक बॉडी है, राइट में पेन ज़्यादा है तो अल्कलाइन बॉडी है। हो सकता है दोनों ही हो, जैसे डायबिटीज इज एसिडोसिस डिजीज और हाई बीपी इज अल्कलोसिस डिजीज। तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनको डायबिटीज भी होती है और हाई बीपी भी होता है, यानी कि उनका दोनों नेचर गड़बड़ है ना। तो यानी कि आपकी लेफ्ट किडनी भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं कर रही है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है। बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे आज कि मेरी किडनी खराब हो गई। प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है अगर आपको लेफ्ट में पेन है।
राइट में है तो आपका लंग्स और राइट आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही, अभी तक कर रही होगी, हो सकता है 2 साल पहले तक कर रही होगी, हो सकता है 3 साल पहले तक कर रही होगी, अभी उसने काम करना गड़बड़ किया, इस वजह से आप या तो एसिडोसिस की कंडीशन में चले गए या एल्कलोसिस की कंडीशन में चले गए। न्यूरोथेरेपी केवल यही काम करती है, आपके ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर वापस से उनको रीएक्टिवेट करती है, उनको वापस से एक्टिवेट करती है और आपको दोबारा से वही 5 साल वाला 10 साल बाद पुराना बना देती है, यानी कि आपके ऑर्गन्स को रिपेयर करने का काम न्यूरोथेरेपी करती है और अभी तक कर रही थी। किसी ना किसी कारण से स्ट्रेस हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकती है, एक्सरसाइज की कमी हो सकती है, जैसे इसमें बताया भी होगा। न्यूरोथेरेपी क्या है बताया, ये वे ऑफ ट्रीटमेंट है, हम कुछ प्रेशर पॉइंट देते हैं जिनसे हम ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये पैंक्रियास का पॉइंट है, यानी कि डायबिटीज की पेशेंट को हम इस तरीके से प्रेशर पॉइंट देते हैं। मैंने एसिड अल्कलाइन का आपको कॉन्सेप्ट बताया, इज योर बॉडी इज एसिडिक और अल्कलाइन, खाने की वजह से है जो बीमारियां आती हैं, आपके खाने की वजह से गड़बड़ी हो सकती है, यानी कि आपकी बीमारी आने का कारण हो सकती है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो हो सकते हैं, या आप लेथार्जिक लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आप आलस वाला जीवन जीते हैं, नहीं कल कर लूंगा, अभी नहीं खुद कर लेते हैं, ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम ठीक करते हैं। सर प्रॉपर नहीं आ रहा, बहुत सारी बीमारियां क्योंकि हम बॉडी के सिस्टम को ठीक करना जानते हैं। मैं बहुत सारी बीमारियों का नाम लूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम हर तरीके की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे, हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो लगभग 150-300 से ज़्यादा फीडबैक होंगे पेशेंट्स के, जिन्होंने हमारे पास आके कहा कि मैं इस समस्या से परेशान था, न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसे पेशेंट जिनको 4 लोग उठाकर लेकर आते हैं, कमर दर्द जब हो जाती है, स्लिप डिस्क हो जाती है, बल्ज हो जाता है, हर्निएशन हो जाता है, लॉर्डोसिस हो जाता है, लिस्थेसिस हो जाता है, ऐसी कंडीशन जब पेशेंट अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, तो बीमारी की लिस्ट बहुत है अगर मैं बोलूँगा तो। ऐसे पेशेंट बहुत सारे ठीक होते हैं। हमारी ग्रोथ, हमारे जो USP, अभी इन्होंने सर ने बताया कि हम इंडिया के नंबर 1 ट्रेनिंग पार्टनर हैं जो न्यूरोथेरेपी को सिखाते हैं। आज हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में हमारे स्टूडेंट्स हैं, इवन अंडमान निकोबर में भी हैं। रिनू जी जानते होंगे हमारे पास गुजरात से, राजस्थान से, बिहार से, मध्य प्रदेश से स्टूडेंट हमारे पास सीखने आते हैं न्यूरोथेरेपी को, और उनमें से रिनू जी भी एक हैं जिन्होंने यहाँ सीखा है। USP, बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, पेट की कोई भी समस्या, आप लोग नाभि नले और कोड़ी से मुझे जानते होंगे, लेकिन आज के बाद आपको ये समझ आएगा कि न्यूरोथेरेपी हर बीमारी पर काम कर सकती है। पेट की तो कोई भी समस्या हो, आपने अल्ट्रासाउंड कराया हो, CT स्कैन कराया हो, MRI कराया हो, कुछ भी कराया हो, आपकी रिपोर्ट्स कुछ नहीं आती लेकिन फिर भी समस्या है, तो एक बार न्यूरोथेरेपी के लिए रेफर करें या न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट जरूर लें। बहुत सारे अवार्ड हमें मिले हैं, ये बात मैं बताऊंगा। ये मेरा गिव है, गिव मेरा ये तो है, ये आपको PP मिल जाएगा ग्रुप में। मेरा गिव ये है कि ये आपके सामने आपके डेस्क पर होगा, जो भी व्यक्ति आपके अपने साइन कर कर आप अगर इसे वो साइन करते हैं अपना और प्रगति परिवार लिखते हैं, उसको 1 डे का ट्रीटमेंट हम फ्री देंगे अपने यहाँ से, जिसकी कॉस्ट 500 है, यानी कि आप खुद भी ले सकते हैं ट्रीटमेंट, या इस पेपर को साइन कर अपने साइन कर प्रगति परिवार लिखकर आप किसी को भेज भी सकते हैं। हम 1 दिन का ट्रीटमेंट जिसकी कॉस्ट 500 है हम अपनी तरफ से फ्री देंगे। आप मुझे रेफर कैसे कर सकते हैं, कोई व्यक्ति कहे आपसे, फिर मैं अपनी USP पे आता हूँ पेट पर, या मेरा पेट बहुत खराब रहता है, यार बिना कुछ खाए मुझे एसिडिटी और गैस हो जाती है, यार दिन भर पेट में अजीब सी फीलिंग बनी रहती है, यार पेट साफ ही नहीं होता, 2-2, 3-3 दिन तक नहीं होता, सारे टेस्ट करा लिए लेकिन बीमारी का पता नहीं चल रहा, मेरे पेट में हुआ क्या है। कोई भी व्यक्ति, अगर आप लोग आपस में बैठे हैं कभी कोई ये सेंटेंस सुने, तो आप न्यूरोथेरेपी के लिए उसे रेफर कर सकते हैं। और मेरे आज के ये आपको मिल जाएगा, और पिछले 17 साल से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, आगे भी जो लोग ठीक होना चाहेंगे बिना मेडिसिन के, बिना साइड इफेक्ट के, ऐसे लोग आपने प्रवीण सोडी जी के नाम सुना होगा, वो मेडिसिन देते हैं, अपोलो में सर्जन है, और वो न्यूरोथेरेपी से अपने आप को ठीक कर रहे हैं जी। धन्यवाद।